नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता को यह विश्वास दिलाया था कि मोदी की गारंटी हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी है। इस वादे को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में ही तेंदुपत्ता 4000 रुपये प्रति मानक पूरा करने का निर्णय ले लिया, जिसके लिए भाजपा के संकल्प पत्र में वादा किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा का कहना है कि उन्होंने जो जनहितैषी निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी सरकार के प्रति आभार भी जताया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का यह निर्णय मोदी की गारंटी को पूरा करने की दिशा में उठाया गया पहला कदम है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने कहा कि शपथ ग्रहण के तत्काल बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की सरकार ने मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम शुरू कर दिया है। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में आदिवासी भाइयों के सशक्तिकरण के लिए तेंदुपत्ता संग्रहण की दर 3000 रुपए से बढ़ाकर 4000 रुपए किए जाने की बात कही थी। इस पर खुशी जाहिर करते हुए शर्मा ने कहा कि बुधवार को ही राज्य कैबिनेट की शॉर्ट बैठक में राज्य सरकार ने तेंदुपत्ते के संग्रहण की दरें 4000 रुपए प्रति मानक बोरा कर दी हैं। सरकार के इस निर्णय से उन आदिवासी भाइयों का सशक्तिकरण होगा जो वनोपज एकत्र करके अपनी आजीविका चलाते हैं, और उन्हें राज्य सरकार की इस निर्णय के लिए मैं प्रदेश के सभी आदिवासी भाइयों को शुभकामनाएं देता हूं और राज्य सरकार को बधाई देता हूं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने कहा कि पहली कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर संचालित हो रहे जो हमारे लीडिंग कॉलेज है उनका प्रधानमंत्री उत्कृष्ट महाविद्यालय के रूप में उन्नयन किया जाएगा। साथ ही उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले शासकीय और निजी विद्यालयों में छात्रों की डिग्री और अंक सूची को डिजी लॉकर में अपलोड किया जाएगा। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के अनेक कॉलेज प्रधानमंत्री उत्कृष्ट महाविद्यालय के रूप में अपग्रेड होंगे और हमारे छात्र छात्राओं को उनमें पढ़ाई करने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही छात्रों के महत्वपूर्ण दस्तावेज जो उनके भविष्य के आधार होते हैं डिजी लॉकर में अपलोड होने से सुरक्षित रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने कहा कि 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ऐसा मध्य प्रदेश मिला था जो असुरक्षित था और जहां गुंडों अपराधियों का बोलबाला था। भाजपा की सरकार ने गुंडों अपराधियों और डकैतों की नकेल कसकर प्रदेश को सुरक्षित बनाया। इससे आगे बढ़कर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने निर्णय लिया कि ऐसे अद्यतन अपराधियों के द्वारा पूर्व में किए गए अपराधों में प्राप्त जमानत को दंड प्रक्रिया संहिता RCP की धारा 437, 438, 439 के तहत संबंधित न्यायालयों में आवेदन प्रस्तुत करके जमानत निरस्त करने की कार्रवाई की जाए। शर्मा ने कहा कि सरकार के इस निर्णय से अद्यतन अपराधियों पर शिकंजा कसेगा था, वे कोई नया अपराध करने की स्थिति में नहीं होंगे। शर्मा ने कहा कि गुंडे अपराधी अब यह सोच ले कि मध्य प्रदेश में उनके लिए सुरक्षित नहीं है और ऐसे लोगों के लिए प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। ऐसी खबरों से जुड़ी जानकारी के लिए बने रहे पोल खोल पोस्ट पर। धन्यवाद।